आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे तो आप डिपेंडेंसी नहीं रह सकते ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय आप दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है। तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनाओ, है ना। पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान होते जा रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे हैं, ट्रक तक बन रहे हैं। तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है, आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है, टेस्ला का इलॉन मस्क इतने बड़े नंबर वन पे कैसे आ गए थे, अपने वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नंबर वन पे कैसे आ गए थे, उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई दबे, और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स भी बनाते हैं, तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाला समय इसी का ही है। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज कर, आने वाले टाइम में क्या, अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है जिनके टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स अवेलेबल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है।